पूर्णिया नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी दौरान विगत 25 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे पूर्व पार्षद विवेकानंद झा उर्फ बबलू झा की पत्नी माला कुमारी ने महापौर पद के लिए अपनी दावेदारी कर दी है और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके पति बबलू झा विगत कई वर्षों से वार्ड नंबर 17 के पार्षद पद पर रहकर समाज की सेवा कर रहे थे, लेकिन इस बार नगर निगम चुनाव के बदलते समीकरण को देखते हुए उन्होंने पूर्णिया नगर निगम वासियों के लिए काम करने का मूड बनाया है। मौके पर विवेकानंद झा ने बताया कि शहर को बहुत स्वच्छ सुंदर और बिहार के अग्रणी जिलों में शामिल करना ही उनका मुख्य लक्ष्य होगा और उन्होंने आम सभा से अपील करते हुए कहा कि इस बार उन्हें डिप्टी मेयर पद पर जनता चुने ताकि वह अपने शहर के लिए काम कर सके। मेरा मुख्य मुद्दा है कि जल जमाव जो है सब मोहल्ला में गए हैं, जहाँ हर जगह पानी लगा हुआ है और इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाए तो एक भी पानी नहीं रहेगा। दूसरी मुद्दा है सड़क जाम, सड़क चौड़ीकरण होना चाहिए, जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। और तीसरी समस्या है कचरा, जो यहाँ जब तक फेंका रहता है मोहल्ला में मार्केट में जहाँ जाइए वहाँ फेंका रहता है, तो उसके लिए कहीं सुनिश्चित जगह पर सुनिश्चित डंपिंग जोन बना जाए तो कचरा की समस्या खत्म हो जाएगी। और सब महिला प्रत्याशी में, और आप भी खुद एक महिला प्रत्याशी हैं, क्षेत्र में जाते हैं तो समस्या क्या दिखता है? समस्या यही मुख्य समस्या है, जल जमाव कचरा देखने को तो यही मतलब समस्या तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य समस्या यही है। बहुत दिनों से समस्या समाधान के लिए स्मार्ट सिटी बनाना जरूरी है, लेकिन हम लोग को मौका दीजिए कि हम लोग आए और स्मार्ट सिटी पूर्णिया सिटी बनाए। क्रमांक 11 माला कुमारी रोड रोलर छा कि मेरे पति 25 सालों से समाज सेवा करते आ रहे हैं, दो टर पार्ट पार्षद भी रह चुके हैं और स्थायी समिति का सदस्य भी रह चुके हैं। उनके कार्यकाल के अंदर मेरा भी तो कुछ अनुभव हुआ है। मैं जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि मुझे एक बार मौका दे, आप लोगों का समस्या हल करूँ। क्या क्या एजेंडा है आपका इस बार चुनाव में जो जा रहे क्षेत्र में लेकर, क्या मुद्दा है आपका? यहाँ मुख्य समस्या नगर निगम में है जल जमाव की समस्या। पूर्णिया का एक भी मोहल्ला नहीं है जिसमें बरसात में भर ठेहुना पानी नहीं लगा रहता है। जल निकासी का समस्या सबसे भयंकर समस्या है। दूसरा है कचरा, कचरा यत्र तत्र फेंका रहता है। NH पर इधर लाइन बाजार के आगे NH पर कचरा फेंका हुआ, उधर ये बाईपास में सड़क पर फेंका रहता है कचरा, उसमें आग लगा देता है, उससे जहरीली धुआं निकलता है, वो हानिकारक है। उसके लिए एक डंपिंग जोन कहीं होना चाहिए। बस यही सर जाम की समस्या है। अब पहले भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं, वार्ड पार्षद रह चुके हैं, फिर भी आप तो एक नगर निगम से अपने वार्ड में और दूसरे भी वार्ड में देखते थे समस्या, ज़्यादा समस्या क्या लगता है कि? हम जिस समय में वार्ड पार्षद थे उस समय में तो कुछ था ही नहीं नगर निगम में, ये तो इधर 5 साल से फंड आ रहा है। हम लोग के समय में तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख का फंड आता था, उसमें जितना होता था ईटा सोलिंग रोड बनती थी उसमें, बस फंड तो अभी आता है, ज़्यादा फंड तो अभी आ रहा है। अच्छा, इस बार चुनाव प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया, जनता डायरेक्ट मेयर और डिप्टी मेयर को, इसीलिए तो हम लोग ऐसा आदमी, हम लोग ऐसा गरीब आदमी तब ना नॉमिनेशन किए, नहीं तो उसमें हम कर सकते हैं, जनता के द्वारा डायरेक्ट है इसीलिए हम लोग उतरे हैं। क्षेत्र में जाते हैं समस्या क्या कहा जा रहा है, मतलब जनता के द्वारा? जनता का समस्या सबसे भयंकर समस्या है जल जमाव का, तो मोहल्ला घुसने लायक नहीं है, पूर्णिया का एक भी मोहल्ला में आप घुस नहीं सकते हैं जूता पहन के। अच्छा, जनता अगर आप पे विश्वास जताती है तो इसका निदान एकदम उस पर खड़ा, एकदम खड़ा उतरेंगे उस पर। अब फंड आ रहा है, पैसा नगर निगम में बहुत पैसा आ रहा है, उसका ड्रेनेज सिस्टम बन जाएगा बढ़िया से, चारों तरफ नदी है यहाँ, यहाँ अगर अच्छी तरह से, एक होता है मुख्य नाला, एक होता है सहायक नाला, एक होता है अन्न नाला, यहाँ अन्न नाला बन गया, सहायक और मुख कहीं दिखाई नहीं देता है। मुख्य नाला रहेगा नदी से, इधर वनभाग है, इधर कप्तान पुल है, इधर ये कारी कोसी है, उधर हरदा की नदी है, सबसे मिला के लेवल करके लेगा तो एक बूंद पानी कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हो ऐसा तब ना। मेरी पत्नी नॉमिनेशन की है, इसका चुनाव चिन्ह है रोड रोलर छाप, क्रमांक 11 है,